गांव की लड़की से शादी कराने का झांसा देकर दो लोगों ने युवक से ठगे। 30,000 1 लाख में तय हुआ था सौदा। शिवपुरी गांव की लड़की से शादी कराने का झांसा देकर दो लोगों ने एक युवक से 30,000 रुपये हड़प लिए। अब ना तो ये लोग युवक की लड़की से शादी करवा रहे हैं और ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। उल्टा फरियादी को पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने इसकी शिकायत मंगलवार को जनसुनवाई में SP ऑफिस में स्थित पुलिस हेल्प डेस्क में दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार रायचंद्र धाकड़ निवासी पारटखेड़ा थाना गोपालपुर ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई। शादी के संबंध में बदरवास निवासी विजय सेन ने उसकी मोबाइल पर बात हुई तो विजय सेन ने बताया कि मेरा दोस्त जयभान सिंह यादव तुम्हारी शादी कर देगा, जिस पर जयभान यादव से मिलने बदरवास पहुंचा, जहाँ जयभान सिंह यादव ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी खेड़ाई गाँव की एक लड़की से करवा दूंगा, 1 लाख रुपये लगेंगे, और कहा कि 30,000 रुपये पहले दे देना होगा, 70,000 रुपये शादी के वक्त दे देने होंगे, जिस पर मैं तैयार हो गया। तो जयभान सिंह ने 10,000 रुपये फोन पे से डलवा लिए और 20,000 नगद ले लिया और कहा कि 10 से 15 दिन में तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन आज तक शादी नहीं करवाई। 1.5 माह से चक्कर लगवा रहा हूं, ना तो शादी करवा रहे हैं ना ही मेरे पैसे वापस कर रहे हैं। पैसे वापस मांगने पर आप दोनों जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से रुपए वापस दिलाए जाने और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। रामचंद्र दागा, कौन से गांव से आए हो? ग्राम पाड़ा। अच्छा, जहाँ से SP ऑफिस आए हो आप, क्या शिकायत लेकर आए यहाँ पे? शिकायत जी लेके आए हैं सर, हमसे 20,000 रुपये तो उनने नगद लिए थे। किसने लिए? जयवान सिंह यादव ने। ये कहाँ का रहने वाला है? ये बदरवास का रहने वाला है सर। 20,000 रुपये किस बात? ये शादी के लिए हमसे 1 लाख रुपये की बात की थी। अच्छा, उनने 30,000 रुपये पहले डलवा, 20,000 नगद ले लिए, 10,000 फोन पे द्वारा डलवाए। फोन पे का सबूत हैगा आपके पास? हैगा। अच्छा, तो ये पैसे क्यों डलवाए थे उन्होंने? उन्होंने पैसे डलवाए खर्चे पानी के लिए मांग रहे थे सर। अच्छा, यहाँ खर्चा पानी चाहिए, गरीब है, उस पर कर्जा है, उसे कर्जा देना है। अच्छा, हाँ, मतलब आप पूरी बात बताओ ना, क्या मैटर क्या था? आप शादी करने की बात कह रहे थे ना? शादी कराने की बात थी। किससे शादी कराने की बात? एक लड़की दिखाई थी उनने हमें। क्या नाम है उसका? उस लड़की का नाम हमें तो कोई जानकारी नहीं थी सर। तो वो लड़की कहाँ पे थी? वो लड़की हमें भाई म्याना के एक नजदीक गांव है उसमें दिखाई थी। कौन सा गांव? वो केरई बोलती हैं शायद इसको। केरई गांव। हाँ।